दोस्तों आप सभी को तो पता ही है कि एक नए संसद भवन का निर्माण हो चुका है, अब जल्दी ही उसका उद्घाटन भी होने वाला है। तो दोस्तों अब आ गए संसद भवन के अंदर की तस्वीरें, कुछ इस तरह हो रही है उद्घाटन की भी तैयारियां। दोस्तों नए संसद भवन का निर्माण अब पूरा हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी 28 मई को इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नए भवन को 64,500 वर्ग मीटर के एरिया में बनाया गया है। इसमें लाउंज, लाइब्रेरी, कमेटी हॉल, कैंटीन और पार्किंग जैसी कई सुविधाएं हैं। करीब 1200 करोड़ की लागत से बनी आलिशान संसद में सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीक अपनाई गई है। संसद के उद्घाटन में महज एक ही दिन बचा है, अब तैयारियां जोर शोर से चल रही है। दोस्तों इसी बीच नए संसद भवन की वीडियो भी आ गई है और नए संसद भवन अंदर से कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। दोस्तों नए संसद भवन की डिजाइनिंग गुजरात के आर्किटेक्चर फर्म HCP ने डिजाइन की है। HCP डिजाइन इससे पहले गुजरात के गांधीनगर में सेंट्रल विस्टा, राज्य सचिवालय, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट जैसे कई प्रोजेक्ट्स डिजाइन कर चुका है। दोस्तों नए संसद भवन को तिकोन आकार में डिजाइन किया गया है। इसमें लोकसभा में 888 सीटें हैं और विजिटर गैलरी में 336 से भी ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम है। राज्यसभा में 384 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। संसद के संयुक्त सत्र के दौरान 1272 सदस्यों की बैठने की भी व्यवस्था होगी यहाँ पे। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा के कक्ष में हर बेंच पे 2 सदस्य के बैठने की व्यवस्था होगी। हर सीट पर डिजिटल सिस्टम और टच स्क्रीन लगाई गई है। नए संसद भवन में लेटेस्ट ऑडियो विजुअल सिस्टम होंगे। यह सिस्टम समिति कक्ष में भी लगाए जाएंगे। दोस्तों नए संसद भवन में लोकसभा में राष्ट्र पक्षी के मोर जैसा, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र पुष्प कमल की तरह डिजाइन किया गया है। नए भवन में देश के विभिन्न क्षेत्रीय कला और शिल्प कला को दर्शाया जाएगा और भारत के हर तरह की कला यहाँ पे डिजाइन की गई है, जिससे कि ये पता चले कि भारत की संस्कृति के बारे में पता चलेगा। बहुत चीजें डिजाइन की गई है नए संसद भवन में। दोस्तों आप लोगों को नया संसद भवन कैसा लगा हमें कॉमेंट करके अपनी अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।